लोग देख लेते हैं कि कल कहाँ पी वाई करना और कहाँ सी वाई करना है। तो अब देखेंगे कि मार्केट आज काफ़ी बड़ा सा गैप ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद कोई मार्केट चला नहीं। ऑलमोस्ट लगभग लगभग एक बार इसको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद मार्केट चला ही नहीं। यहाँ पे एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला था लगभग 12 बजे से लेकर के 12:10, 12:20 के आसपास तक ये मोमेंटम दिखा, एंड उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई भी बड़ा सा मोमेंटम देखने को नहीं मिला मार्केट में। अब हमारे कल के लिए जो सबसे बेस्ट प्लानिंग होने वाला है, ये प्लानिंग ये है कि कन्फर्म मार्केट बुलिश मोमेंट में, क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप अप है, तो देखना ये है कि अगर मार्केट गैप अप इसी के आसपास कहीं ओपन होता है, जैसे ये 24,250 के आसपास कहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद सबसे पहला ये 24,270 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा। कॉल साइड में जो फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो 24,354, ठीक है। एंड अगर किसी भी कारणवश मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है लेकिन क्विक ये 24,238 के लेवल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तो फिर से मार्केट आपको 24,135 तक आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो कन्फर्म ये जो रेंज है, इस रेंज के अगर नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करता तो कन्फर्म ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 24,135 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर इस रेंज यानी कि 24,270 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको 24,350 का रेंज देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि बेस्ट बाइंग और बेस्ट सेलिंग कहाँ हो सकता है। तो साथियों, बेस्ट बाइंग होगा इस लेवल के ऊपर, जैसे मार्केट अगर 24,353 के ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे कॉल बाई करना है और आपको यहाँ पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा 24,353। ध्यान रखना, 24,353 के ऊपर जैसे मार्केट निकला तो फिर आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट किसी भी कारणवश इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है, 24,135 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है, तो मार्केट में बेस्ट सेलिंग देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। और यहाँ पे टारगेट क्या निकल के आएगा, तो टारगेट यहाँ पे अगर ये नीचे 24,135 के लेवल को ब्रेक करता है तो 23,955 का लेवल आपको एक टारगेट देखने को मिल जाएगा। हालांकि 24,000 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 24,000 पे आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किस हिसाब से हम लोग प्लान करने वाले हैं कल के लिए। तो साथियों, बैंक निफ्टी में हम लोग कल कहाँ कॉल बाई करना और कहाँ पुट बाई करना, तब देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ लेवल अपने पास मार्क कर लिए हमने, 52,332 का ये जो लेवल है, जैसे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 52,332 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा जो लगभग ये 52,570 के आसपास तक जाते हुए देखने को मिलेगा। बेस्ट टारगेट आपको मिलेगा अगर बैंक निफ्टी 52,600 डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से 2000 पॉइंट कॉल साइड में जाते हुए देखने को मिलेगा। 2000 पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये कब निकलेगा, जब ये 52,600 के लेवल को ब्रेक करेगा, आपको 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी कॉल साइड में जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसके ऊपर डेली बेस में क्लोजिंग चाहिए हमें, 52,600 के ऊपर हमें किसी भी प्रकार से क्लोजिंग चाहिए। अगर एक दिन डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर देता है तो मुख्य रूप से यहाँ से 2000 पॉइंट का मार्केट गैप अप देखने को मिलेगा, मतलब 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी चढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा आपको। अब कल के लिए प्लान की बात किया जाए तो कल का बेस्ट बाइंग सेटअप यही रहेगा, 52,332 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग कॉल बाई कर लेंगे और पहला टारगेट हम लोग 52,500 के आसपास रखने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी भी कारणवश मार्केट अगर इस लेवल के नीचे कैंडल आती है 52,150 के नीचे, ओके 52,150 के नीचे अगर आता है तो फिर मार्केट यहाँ से डीप और करेक्शन के साथ फिर से ये आपको 51,770 तक धीरे धीरे करके आते हुए देखने को मिल जाएगा। अब बेस्ट बाइंग बेस्ट सेलिंग देख लेते हैं कि कल के डेट में सबसे अच्छा बाइंग और सबसे अच्छा सेलिंग कहाँ हो सकता है। तो कल के लिए सबसे अच्छा बाइंग होगा 52,353 के ऊपर, 52,353 के ऊपर, ओके 52,350 के आसपास अवेलेबल रख के चलो, यहाँ पे अच्छा बाइंग देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से एक बहुत बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा कॉल साइड में। और बेस्ट सेलिंग की बात किया जाए तो 51,777, ओके 51,777 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो बेस्ट सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट सेलिंग इसके नीचे और बेस्ट बाइंग इसके ऊपर, ठीक है। ये बीच में ट्रैपिंग का माहौल रहेगा, तो इस ट्रैपिंग से आपको बचना है।